मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोन से करा था। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना? तेरी लाश नहीं मिले थे ना फौजी, तब से इस पैण दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। क्यों बननी चाहिए विधाता 2? क्या थी खास बात एक कल्ट क्लासिक विधाता की? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1982 की सुपरहिट फिल्म विधाता के बारे में और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस कल्ट एक्शन फिल्म का रीमेक क्यों बनना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी हिंदी क्लासिक फिल्म्स ऐसी थी जो हम आज भी देखना पसंद करते हैं। इन सभी फिल्मों को इस तरह से बनाया गया था जो उस वक्त की रियलिटी को सामने लाती थी और साथ ही दर्शकों का एंटरटेनमेंट भी करती थी। संसार, आनंद, बड़ी बहन, सीता और गीता, आराधना और विधाता, ये सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिला है और अगर आज इनका रीमेक बनता है तो दर्शक जरूर इनको देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें विधाता की तो इस फिल्म का रीमेक बनना ही चाहिए। उसकी पहली सबसे बड़ी वजह है कि फिल्म एक मल्टी स्टारर थी और ऐसी मल्टी स्टारर फिल्में आजकल बॉलीवुड में कम ही बनती हैं। और जब हाल ही में सूर्यवंशी आई जिसमें बड़े सितारे एक साथ दिखे तब वो फिल्म दर्शकों को काफी पसंद भी आई थी। दूसरी वजह ये भी है कि ये फिल्म संजय दत्त के करियर की एक अहम फिल्म थी। इस फिल्म में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, साथ ही कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी और अब संजू बाबा सभी इल्जामों से बाहर निकल आए हैं और हो सकता है कि विधाता फिल्म में वो एक नए किरदार से जुड़े हुए हों जैसे दिलीप जी उनसे जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं तीसरी वजह की जो है फिल्म का शेक्सपियर स्टोरी से कनेक्शन। संजय और पद्मिनी की लव स्टोरी को हम रोमियो जूलियट के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसमें संजय के दादा उनके खिलाफ थे। ऐसे ही विधाता 2 में कई शेक्सपियर कंसेप्ट आ सकते हैं। शेक्सपियर हमेशा ही अपने प्ले के जरिए सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और ट्रेजेडीज दिखाते थे, वैसे ही सुभाष घई ने भी इस फिल्म में ऊंच नीच की रीत और उसके साथ साथ उस वक्त के लोकल डाकू या जमींदार एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के साथ दुश्मनी भी दिखाई गई है जो बनती है चौथी वजह। दोस्तों, अगर हम आखिरी और पांचवी वजह की बात करें तो वो है फिल्म में दिखाया गया बाप बेटे और दादा पोते का अनकंडीशनल लव। शमी कपूर और दिलीप कुमार के बीच की जो प्योर फ्रेंडशिप थी जो आइकॉनिक थी, साथ ही इतने सारे किरदार और सबकी एक कहानी वो भी प्रॉपर इमोशन के साथ एक ही फिल्म में दिखाना किसी भी निर्देशक के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सुभाष घई ने काफी अच्छी तरह से ऐसी स्टोरी दिखाई जिसमें परिवार का प्यार है, दादा पोते का लगाव है, यंग रोमांस भी है, एक शातिर विलन है, सालों पुरानी दोस्ती भी और साथ साथ सच्चाई की हमेशा जीत होती है वो वाला फंडा भी है। अब इतनी बेहतरीन स्टोरी तो रीमेक डिजर्व करती है ना। अगर 2022 में विधाता फिल्म का रीमेक बनता है जो बनना ही चाहिए तो उसमें कहानी भी अलग होगी, किरदार भी अलग होंगे और हो सकता है कि नाम भी अलग हो। दोस्तों, अब आपके हिसाब से क्या विधाता का रीमेक बनना चाहिए? जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट्स में बता दीजिए। इसी के साथ बन रही हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।